अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रिजवाना और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम होम्योपैथिक की एक बहुत ही नामवर दवाई है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। इसका मरीज़ जो होता है वो बहुत ही, उसके जो थॉट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब आम लोगों से अगर सुनेंगे तो कहेंगे अजीब व गरीब किस्म के थॉट्स हैं। मरीज़ का जहनी तवाज़न जो है बहुत अच्छा नहीं होता, उसको भूल जाने की रग़बत होती है, जैसे कि अचानक से उसको हाफ़ज़ा बिल्कुल एकदम से जो है ना ब्लैंक माइंड हो जाएगा, काम करते करते बिल्कुल भूल जाएगा, रास्ते भूल जाएगा, उसको बिल्कुल याद, और उसको हमेशा बहुत परेशानी होती है भूलने से। फिर उसके अंदर, उस मरीज़ में होता है कि वो बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गालियाँ देने की रग़बत होती है, कस्में खाने की रग़बत होती है बहुत ज़्यादा लोगों में। अच्छा जो अच्छा ऐसी जो अलामत हैं वो आपको अक्सर अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी नज़र आएंगे। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमारी बीवी बहुत गालियाँ देती है, हमारे हस्बैंड बहुत गालियाँ देते हैं। घर में गाली का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं होता, तो अगर उनको ऐसी गालियों की आदत है तो वो क्या करेंगे कि अगर कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें वो गालियाँ दे रहे होंगे, उस मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं उसके साथ साथ गालियाँ दे रहे हैं, तो इस तरह से एक अजीब सा माहौल होता है। लोग समझते हैं कि शायद ये इनकी आदत है, लेकिन ये एक तरह से डिसऑर्डर है जिसका होम्योपैथिक में इलाज है और इसको ट्रीट किया जा सकता है। जी हाँ, इसको भी ट्रीट किया जा सकता है होम्योपैथिक से अगर कोई बहुत बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसकी जो अलामत होती है मरीज़ की, वो अक्सर ऐसा होगा कि खाते वक्त जब वो खाना खा रहा होगा तो उसका सर का दर्द है, बहुत सारी अलामत जो उसकी बीमारियाँ हैं वो खाना खाते वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि देखो खाना आया सामने और ये अपनी बीमारी भूल गए, लेकिन वो अक्सर असल में ही बंदा बीमार होता है। उसको खाते वक्त अच्छा फील होता है तो वो अपनी सारी तकलीफें हैं, सर का दर्द वगैरह भूल जाता है, फिर खाना ख़त्म होता है और उसकी फिर से सारी अलामतें वापस आ जाती हैं। इसको जो है ना, इस मरीज़ को शक बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है इसको जैसे इसके कोई पीछा कर रहा है, इसके खिलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं कि घर वाले जो हैं वो बजाय उसका उस तरफ ट्रीटमेंट की तरफ आने के, वो उस मरीज़ से के अगेंस्ट हो जाते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करते, फिर भी ये शक करता है, फिर भी ये गलत किस्म की बातें करता है हमारे ख़िलाफ़। तो ये वो जानबूझ के मरीज़ ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि उसका एक डिसऑर्डर है। तो इसके लिए इलाज की ज़रूरत होती है, ना कि खाली उसको समझाते रहें या उससे कहें कि तुम ऐसा करते हो, गलत करते हो, ऐसा नहीं है। उसका इलाज होना चाहिए ताकि वो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता अंदर से सुकून में चला जाए। अच्छा, इस मरीज़ में कीना होता है, जैसे कि किसी ने उसको कभी कुछ कह दिया होगा तो कुछ याद रहता है कि अच्छा इस मरीज़, इस बंदे ने मुझे फलाना फलाना टाइम पे इस तरह से कहा था। वो भूल नहीं पाता, अपने हर्ट को भी भूल नहीं पाता। अच्छा, दुआ मांगने का बहुत रुझान होगा, उसको दुआ मांगता रहेगा। अच्छा, उसको उसके अंदर डिसीजन पावर बिल्कुल नहीं होती, बस सोचता है ये काम करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फिर ऐसे मरीज़ों में कब्ज़ भी होता है, कब्ज़ का रुझान होता है, बवासीर होती है, और उसमें भी उस कब्ज़ के साथ भी जो है दिमागी अलामतें नुमायाँ होती हैं इसमें। अच्छा, उसका एक और भी सिम्टम यह है कि इसके मरीज़ जो हैं, और ये अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि बच्चे हैं, तो वो जो हैं वो जहाँ पे हंसना चाहिए, बड़े भी ऐसा करते हैं, ऐसे मरीज़ जो होते हैं बड़े भी और बच्चे भी, कि जहाँ पे उनको हंसना चाहिए वहाँ पे बिल्कुल संजीदा हो जाएंगे, और जहाँ ऐसा रोना धोना का माहौल होगा तो वहाँ उनको हंसी आ जाएगी माफ़ कीजिएगा, तो उनको हंसी आ जाएगी। तो ये भी बड़ा एक डिसकम्फर्ट होता है घर वालों के लिए कि मरीज़ ऐसी जगह पे कैसा बिहेव कर रहा है, वहाँ पे वो हंस रहा है जहाँ पे हंसना नहीं चाहिए उसको। तो ये उसमें उसकी कोई अपनी चालाकी नहीं है, बल्कि उसके दिमागी तवाज़न ही ऐसा है कि वो उस पर कंट्रोल नहीं होता उसको, कि भाई यहाँ पर लोग रो रहे हैं बाबे मैं हंसूँ, उसको कंट्रोल नहीं होता। और ये चीज़ तो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखी है, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको प्रॉब्लम समझते हैं कि इसको ट्रीट करना चाहिए।
तो वो आके बताते हैं, तो फिर उसको सिम्टम से अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है, तो मरीज़ बहुत बेहतर हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि मरीज़ बेहतर हो जाते हैं अल्लाह के फजल से। अच्छा, इसका कब्ज़ ऐसा होता है कि बिल्कुल रेक्टम में ऐसा पैरालिसिस जैसी कैफियत होगी, ऐसा लगेगा कि उसमें ताकत ही नहीं है स्टूल को बाहर निकालने की। एक ये भी होता है कि मरीज़ को लग रहा है कि भाई मुझे बस स्टूल पास करने जाना चाहिए, तो वॉशरूम जाते जाते जब वो चला भी जाएगा तो उसकी वो जो हाजत है जिसके लिए वो गया था स्टूल पास करने, उसे लगेगा कि नहीं अब तो नहीं आ रहा मुझे, तो वो इस तरह वापस आ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, स्किन के सिम्टम्स में ये होता है कि इसकी जो है ना हथेलियों पे मस्से होते हैं, हथेलियों पे दाने होते हैं इसके। और इसके सिम्टम्स तो मुझे अभी इतने ही याद आ रहे हैं, चाँद सर के गिर्द ऐसा लगता है ऐसे पट्टी बंधी हुई है। तो दोस्तों, दवाई में दवाई बहुत अच्छी है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसके बड़े यूनिक सिम्टम्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।